अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट फोर क्वेश्चन 2.7 के कर लिए थे। वो एक तरह के एक ही टाइप थी उनकी। अब हम सेकंड टाइप को देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर दोनों जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, दोनों एक जैसी है, मतलब वो क्वाड्रेटिक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको इक्वेशन को नाम दे देते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं एंड इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं। अब फर्स्ट को भी सॉल्व करते हैं और सेकंड तो सॉल्व हुई हुई है, तो फर्स्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है जी वाई माइनस वन स्केयर 10। तो यहाँ हमारे पास इस पर एक फार्मूला अप्लाई होता है, वो हम साथ लिख लेते हैं, ए माइनस बी होल पावर 2, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2 ए बी। तो हमारे पास आएगा फर्स्ट स्केयर सेकंड स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल हमारे पास आ गया 10। ठीक हो गया। मज़ीद हमारे पास आ गया एक्स स्केयर, इसका स्केयर लें वाई स्केयर, वन स्केयर वैसे ही होता है 2y इक्वल टू 10। इसको मज़ीद हम देखें तो थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं। फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्केयर वाई स्केयर और फिर 2y और कांस्टेंट को साइड पे ले जाते हैं। खूबसूरती के लिए तरतीब देख लेते हैं इसमें, ऐसे तरतीब एक्स स्केयर वाई स्केयर और साथ वैसे। तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब इनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स स्केयर से कट जाएगा, वाई स्केयर से कट जाएगा, तो हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो वी नो दैट के लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने उसको सॉल्व किया हुआ फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में लीनियर इक्वेशन को लेते थे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। जो हमारे पास 2 इक्वेशन है इसको 3 में तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3 हमारे पास इक्वेशन यही है, एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 1 10। तो ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना, तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 1। ठीक हो गया। मज़ीद ये माइनस और ये भी माइनस, जब आपको पता है सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो नीचे जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये इसे प्लस माइनस काट गया तो इधर हमारे पास रह गया माइनस 2y और साथ माइनस, ये माइनस 2y इसमें माइनस 4x रह गया और यहाँ पर 1 इक्वल में 1 आ गया, 1 आ गया और इक्वल में 10 और ये माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आ गया। इसको मज़ीद अगर देखें तो हमारे पास आ गया माइनस 2y माइनस 4x प्लस 1 और 9 को अगर दूसरी साइड पे ले जाएं, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 1। ये कांस्टेंट था तो इसको दूसरी साइड पे ले गए तो इधर आ गया माइनस 1 हो गया। तो 2y माइनस 4x इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ गया 8। इन सब में देखें कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम माइनस 2 इधर से इन दोनों में से कॉमन ले लें तो पीछे आ गया वाई प्लस 2x, इधर आ गया 8। तो यहाँ y प्लस 2x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास आ गया y प्लस 2x 2 1 2 2 4 8। तो हमारे पास आ गया माइनस 4 आ गया। तो हमने इधर से माइनस 2 कॉमन लिया, तो माइनस 2 कॉमन लिया तो पॉजिटिव y और पॉजिटिव 2x रह गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। इसको हम इक्वेशन यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाता है माइनस 4 ये माइनस 2x, वाई की वैल्यू आ गई, इसको हम 4 इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इस वाई की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें, जिधर मर्जी पुट कर दें, हमको x की वैल्यू मिलती है और फिर वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट के अंदर y की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस y की जगह उसकी वैल्यू -4 -2x -1 ये आ गया। अब y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -4 -2x और साथ -1 था वो हमने वैसे लिख लिया, उसका स्क्वेयर इक्वल में 10 आ गया। मजीद ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर, इनको सॉल्व करें, इधर भी माइनस, माइनस 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 5 और ये -2x होल पावर 2, इधर आ गया 10। अब ये हमारे पास क्या आया है, अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहें तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 5 + 2x। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर इसका स्केयर लेते हैं ना तो एक कन्फ्यूजन सी रहती है कि माइनस है तो बीच में क्या आना चाहिए, इधर माइनस है तो इधर क्या आना चाहिए, तो उसके लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया ज़रा इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर। अब आपको पता है कि माइनस की जब पावर होती है 2, उसका स्केयर लिया जाता है तो पॉजिटिव कर देता है, तो हमारे पास सिर्फ ये ही रह जाएगा 5 + 2x होल पावर 2 = 10। अब a प्लस बी वाला फार्मूला इधर बांध है तो वो हमारे पास क्या है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट स्केयर और फिर फर्स्ट का स्केयर अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस सेकंड का स्केयर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल में 10। तो यहाँ आ गया एक्स स्केयर, 5 का स्केयर है 25, 2 का स्केयर 4 और x का स्केयर वैसे ही आ गया, 2 को 5 से मतलब 10 to 20, साथ x भी आ गया और ये 10 जो है ये साथ हम वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्केयर, अब इधर भी एक्स स्केयर इधर भी एक्स स्केयर है, तो हमारे पास सिचुएशन जो बन गई वो है 5x² और यहाँ पर ये आ गया 20x और ये 25 को हम लास्ट भी लिख देते हैं और 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये 20x इसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमें मिलता है 15, सब में देखे कॉमन आ रहा है 5, तो हमने कॉमन ले लिया 5 × 4 = 20, 5 चला गया तो 3 रह गया, 5 × 3 = 15। तो यहाँ हमें पता है ये बच गया, ये मल्टीप्लाई 5 हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर 4x प्लस 3 0/0। 0 किसी के साथ डिवाइड है तो वो 0 कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप इसको वैसे भी वो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तो वो भी आसान तरीका है। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए 3x² आ गया, बीच में है 4x, कोई से दो ऐसे एलिमेंट ने मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x² बन जाए, प्लस माइनस करें तो ये बन जाए, तो हमारे पास है वो 3x और दूसरा इसके साथ x, इसको मल्टीप्लाई करवा के देखें 3x² बनेगा, इन दोनों को ऐड करें तो 4x बनता है, तो हमारी जो शर्त थी वो पूरी हुई, तो उसके लिए हमारे पास 3x प्लस x इसकी जगह लिख लिया हमने और प्लस 3 = 0, दोनों में देखे कॉमन आ गया x, तो यहाँ हमें 3 मिला, इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी नहीं आता, तो वो हमने लिख लिया x प्लस 3, इधर भी कॉमन ले लिया, ठीक हो गया जी। दो सोल्यूशन इधर x प्लस 3 0 मिलता है और x प्लस 1 भी 0 मिलता है, तो यहाँ x की वैल्यू देखें तो वो हमें -3 मिल जाती है और इधर से हमें -1 मिल जाती है, 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमने क्या करना है, x की दो वैल्यू निकली हैं उसको हमने इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे, y की हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर लिखेंगे इधर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 4 के अंदर पुट करते हैं जी, तो हम इसको एक साइड डिलीट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिला जी, x की एक वैल्यू -3 इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y = -4 - 2 - 3 और यहाँ हमारे पास आ गया y = -4 - 2 - 3
अब x की वैल्यू माइनस वन, सेकेंड वैल्यू माइनस वन, तो इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू माइनस फोर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस टू थ्री दार सिक्स, और यहाँ y की वैल्यू हमें मिल गई टू, ये आ गई माइनस फोर, ये मल्टीप्लाई करें प्लस टू, इसको माइनस टू आ गया यहाँ से, ठीक हो गया। तो यहाँ हमें x की वैल्यू माइनस थ्री मिली, पुट की तो हमें y की वैल्यू टू मिल गई। अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें, ये बड़ा अहम पार्ट है, ये लाजमी लिखना है आपने, x की वैल्यू मैं माइनस थ्री पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू टू मिलती है, एक आर्डर ये बन गया आर्डर पर। और दूसरी बात है कि जब माइनस वन एक्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलती है माइनस टू, तो ये रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ अ सॉल्यूशन सेट जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी ये जो टाइप चल रही ना, इस टाइप में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई हमें। तो सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो हमारे पास है एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई प्लस वन स्क्वायर फाइव, और यहाँ पर मिल गया एक्स प्लस टू आ गया। तो इसको हम लेते हैं जी, सॉल्व करेंगे फिर इनको कुछ इनको पहले इक्वेशन का नाम दे लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, और जो सेकंड हमारे पास है एक्स प्लस टू स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइव, इसको हम टू का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब इनको सॉल्व करना है हमने फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर हम इक्वेशन वन को लेके सॉल्व करें, अब ऐसे तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो मजीद इनको सॉल्व करेंगे। तो इधर से हम इसका स्क्वायर करें, ये हमारे पास फार्मूला इधर देता है, इसका फार्मूला ए प्लस बी वाला फार्मूला इस पर हमने लगाना है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट स्क्वायर, एक दफ़ा लिख लेते हैं फर्स्ट जो हमने इक्वेशन ली है ना, ये अब इसमें फार्मूला अप्लाई होना टू टाइम ए प्लस बी वाला, तो वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर, इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट स्क्वायर अब इस पर अप्लाई होता है सेकंड स्क्वायर टू इंटू फर्स्ट एंड वन का स्क्वायर वन, तो टू एक्स वन स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वाई इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पर हमारे साथ आ गया एक्स स्क्वायर, फिर हम वाई स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, फिर हम एक्स वाली लिख लेते हैं कोई वैल्यू, और लास्ट पे हम लिख लेते हैं टू वाई, और ये भी कॉन्स्टेंट, इधर हम कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं टू। मजीद इसको देखें तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स टू वाई, और इसको दूसरे पे लेगा तो हमारे पास आ गया फाइव माइनस टू। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वेशन थ्री आ गया, ठीक हो गया। अब इक्वेशन टू को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, तो वो आता है एक्स प्लस टू स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइव। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास वही फार्मूला ए प्लस बी वाला, इसमें क्या होता है फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आ गया। तो इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर करें फोर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले, फिर वाई स्क्वायर, फिर कोई एक्स वाला, और इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो उधर हमारे पास फाइव माइनस फोर आ जाता है, ठीक हो गया। तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
फोर एक्स इसको वन कह देते हैं, तो यह हमारे पास इक्वेशन फोर आ गई, ठीक हो गया। मज़ीद अब हमारे पास जो इक्वेशन थ्री है इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट इसका मिल जाता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के साथ किया। तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर से गायब हो जाएंगे, तो एक्स और वाई हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो हम ये करते हैं सब्ट्रैक्ट ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन फोर, थ्री को फोर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो फोर है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर एक्स इज इक्वल टू वन, और यहाँ थ्री जो थी वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री। ये माइनस ये माइनस ये माइनस सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे जो इक्वेशन है वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो तो प्लस हो तो माइनस, प्लस माइनस काट गया प्लस माइनस काट गया, माइनस टू एक्स फोर इसके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टू एक्स आ जाता है, इधर आ जाएगा टू वाई, तो ये हमारे पास आ गया माइनस टू। सब में देख के कॉमन क्या आता है टू, इधर से हमने टू कॉमन लिया, इधर भी माइनस टू है, तो हम क्या करते हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे इधर डिवाइड करवा लेते हैं, तो जब डिवाइड करवाया तो एक्स माइनस वाई टू टू से कट गया तो हमारे पास माइनस वन इसका आंसर आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन फाइव, सॉरी अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो एक्स माइनस वाई हमारे पास माइनस वन आ गया। हम एक्स की अगर इधर से वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर चला जाएगा वाई, तो इधर यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फाइव आ जाती है। ये लीनियर इक्वेशन बनी ना, तो लीनियर में से हम जैसे क्वेश्चन वन टू थ्री फोर तक हमने किया लीनियर लेते थे, उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, उसको किसी क्वाड्रेटिक के अंदर पुट कर देते थे, तो हमने ये निकाल ली। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करें, चाहे वन में कर दें चाहे टू में पुट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सिनेरियो रहेगा। तो हम एक्स की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं फर्स्ट के अंदर सेकंड के अंदर कर लेते हैं, ज़रा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हम इधर लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, तो टू के अंदर पुट कर लीजिए, एक्स अगर हम लिख लेते हैं माइनस वन प्लस वाई, एक्स की जगह माइनस वन प्लस वाई सात प्लस टू होल पावर टू, इधर सात आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है, टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वन ही रह जाता है इक्वल फाइव। यहाँ ए प्लस बी वाला फार्मूला जब हमने इधर अप्लाई किया वही इस पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो सात हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव, तो ये आ गया वाई स्क्वायर वन स्क्वायर वन, इसको मल्टीप्लाई किया टू वाई और यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव, इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी कोएफिशिएंट वन वन है दोनों का, तो ये होएगा टू वाई स्क्वायर, इधर रह गया टू वाई, ये इधर प्लस वन फाइव इधर आ जाएगा, क्यों इधर लेकर आए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है हमें इस वजह से, तो इधर आ गया टू वाई स्क्वायर टू वाई, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है माइनस फोर, ठीक हो गया। दोनों में कॉमन, सब में कॉमन आ रहा है टू, इधर रह गया वाई स्क्वायर इधर वाई और इधर माइनस टू इधर ज़ीरो। अगर हम ऐसा करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है तो ये टू मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, इधर कोई उन्होंने स्ट्रिक्ट नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर शर्त नहीं है कोई भी। तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, जी इनको हम सॉल्व करते हैं कैसे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके लिख लें ऐसे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तुम्हारे पास आ गया माइनस टू वाई स्क्वायर और बीच में है वाई, कोई से दो ऐसे एलिमेंट लेने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू वाई स्क्वायर बन जाए और प्लस माइनस करें तो वाई बन जाए, तो हमारे पास कौन से हैं टू वाई और माइनस वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो टू वाई स्क्वायर बनता है ना माइनस का, और माइनस वाई को टू वाई से निकालें तो हमें वाई मिल जाता है, तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर टू वाई माइनस वाई बीच में और लास्ट वाला सेम वैसे ही आ जाता है।
दोनों में कॉमन ले, वाई कॉमन आगे पीछे आ गया, वाई प्लस टू, और इसमें वन कॉमन ले माइनस का, तो वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ वाई प्लस टू इधर भी है उधर भी कॉमन ले लिया, और इधर आ गया वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो वाई प्लस टू जीरो के इक्वल, और यहाँ वाई माइनस वन भी जीरो के इक्वल। यहाँ वाई की एक वैल्यू हमारे पास मिल गई हमें, पॉजिटिव टू है ना, दूसरे साइड पर जाके नेगेटिव टू हो जाता है माइनस का, तो यहाँ पॉजिटिव वन, दो वाई की वैल्यू मिल गई। अब इनकी वाई की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फाइव के अंदर पुट करते तो हमें एक्स मिल जाता है, तो वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई इन इक्वेशन फिफ्थ करें जी, फिफ्थ के अंदर दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। वाई की जगह हम रखेंगे जी माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वाई की जगह माइनस टू रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई माइनस थ्री, यहाँ पर मिल गई। तो इसी तरह हम y की जगह वन रखते हैं उस इक्वेशन के अंदर, तो y माइनस वन और y की जगह हमने इधर वन रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस प्लस ज़ीरो। तो सिनेरियो क्या बना, सॉल्यूशन सेट की बात अगर हम करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, हम x की वैल्यू माइनस थ्री मिलती है, हम y को माइनस टू रखते हैं, मतलब x की वैल्यू में क्या मिली माइनस थ्री जब हमने y को माइनस टू रखा। इसी तरह एक्स जीरो मिलता है जब वाई को हम वन रखते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट मिल गया, इसकी हमें चाहत थी, इसकी हमें ज़रूरत थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी तो हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हम इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पर फर्स्ट जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं, और जो दूसरी है इसको हम इक्वेशन सेकंड का नाम देखें। अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, सिचुएशन ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों क्वाड्रेटिक हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक सिंपल, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है हमें। तो अगर हम इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लें तो हमें उम्मीद है कि कोई रिजल्ट मिल सकता है। इधर देखें एक्स है, इधर फाइव है, तो अगर हम फाइव से इस इक्वेशन को फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें तो इधर दोनों सेम आए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय फाइव, किसके साथ, इक्वेशन फर्स्ट के साथ हमने फाइव को मल्टीप्लाई करना है। तो करें फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फाइव एक्स स्केयर, फाइव टू टेन वाई स्केयर, और फाइव को इससे मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी टू के साथ, फाइव टू टेन और इलेवन, तो हमारे पास ये इक्वेशन एक थ्री इक्वेशन बन गई। आप इसको कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि जब हम ट्वेंटी टू को मल्टीप्लाई फाइव से करते तो हमें क्या मिलता है, वन टेन। तो ये आ गया। अब देखें क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री में अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फाइव एक्स स्क्वायर से काट सकता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री में से टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थ्री हमारे पास है फाइव एक्स स्क्वायर टेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन टेन, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो फाइव एक्स स्क्वायर वाई ट्वेंटी नाइन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बीच में से साइन चेंज कर देते हैं, जो नीचे जो इक्वेशन होती है, तो साइन चेंज कर दिए, प्लस माइनस कट गया, वाई में से एक निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाता है नाइन वाई स्क्वायर। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, बाई यूजिंग कैलकुलेटर वी हैव एट्टी वन, ठीक हो गया।
अब वाई फाइंड करना है तो इसके साथ 9 आ रहा, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 919981। तो हमारे पास जो वाई स्क्वेयर आया वो 81 आया। तो आपको पता है हमने वाई स्क्वेयर नहीं वाई फाइंड करना है, तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भी और सेकंड राइट हैंड साइड के, ये से काट गया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस, इसका स्क्वेयर रूट लें तो 3 आ जाता है। वाई की दो वैल्यू आ गई, अब हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है क्योंकि वाई की तो फाइंड होगी, तो अब हमने इसमें वाई की वैल्यू को या तो क्वेश्चन 1 में पुट कर दें या 2 में, सेम हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें मर्जी मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई, वाई की जगह एक दो हम प्लस पुट कर लेते हैं, इक्वल में 22। अब इधर प्लस 3 पुट किया, अब इस साइड में हम माइनस 3 पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 22, वाई की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर ली, तो यहाँ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 2 × 3 का स्क्वायर होता है जी 9, इज इक्वल टू 22, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया तो 18 और 22 मजीद एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिल गया पॉजिटिव 22 और ये इधर आके 18 सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास आ गया 4। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया, स्क्वायर रूट इधर भी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो इधर आ गया प्लस माइनस 2, दो वैल्यू देता है जी एक्स, तो यहाँ पर अगर हम इसका इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर, तो ये 2 × 9 × 22, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 22, सेम सिनेरियो 22 इधर आके माइनस 18, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4। तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो प्लस माइनस 2। इधर कहता है कि जब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, मतलब एक साइड में हमने क्या किया, इधर हमने पुट वाई जो है इधर हमने 3 रखा था इसमें, और इधर हमने वाई को माइनस 3 रखा था, यही सिनेरियो था ना, जब y 3 लेते हैं तो x हमें प्लस माइनस 2 मिलता है, इससे क्या सॉल्यूशन सेट किया इधर से आया कि जब हम x हमें मिलता है प्लस माइनस 2 जब हम y हम 3 रखते हैं, और जब हम y को माइनस 3 रखें तो फिर भी हमें प्लस माइनस 2 ही वैल्यू मिलती है जब हम y को माइनस 3 रखें, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ठीक हो गया, इसमें अगर आप इसको ऐसे भी अगर लिख देना कि हमारे पास मतलब अगर सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख दें कि एक्स की वैल्यू भी इधर प्लस माइनस 2 है, मतलब देखें ना दोनों साइड एक्स प्लस माइनस टू दोनों साइड पे आ रहा है, तो अगर हम ऐसा कर दें तो हमें एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो इतना भी काफ़ी है, इतने से भी चल जाता है, क्योंकि इधर भी एक्स प्लस दोनों इसकी सेम ही वैल्यू, तो हम एक्स प्लस माइनस 2 और एक्स प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं, काफ़ी है इतना, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे 7 किया है, और अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 8
तो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास है जी 4x² - 5y² = 6। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी इक्वेशन है 3x² - y² = 14। जी ये दो इक्वेशन है जी हमारे पास, हम इनको नाम दे लेते हैं। फर्स्ट जो है इसको 4x² - 5y² = 6 इसको फर्स्ट का नाम देते हैं, और जो 3x² - y² = 14 इक्वेशन टू का नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं अब देखें, सिंपल है। इसको अगर हम फोर को 3 नहीं बना सकते, 3 को 4 नहीं बना सकते एक स्टेप में, दो स्टेप में तो बन जाएगा ना 12 बना सकते, 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर हम इधर देखें -5y है, इधर ओनली 1y है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 5 के इक्वल आ जाता है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इधर से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये ज़रा आसान रहेगा, तो हम क्या करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15x² 5 को y से किया तो 5y² 5 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 × 5 70, तो ये हमारे पास आता है 70। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। इधर देखिए 5y इधर भी है, दोनों साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट हो तो उसको ऐड करते हैं, अगर एक जैसे हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग बाय इक्वेशन 1 and इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाता है 4x² - 5y² = 6। तो यहाँ आ गया 15x² - 5y² = 70। ये माइनस तो ये प्लस माइनस, जब हमने इसको किया ही ऐड है तो उसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, अब इनको किया ही ऐड है ना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4 और 15, ये 19x² में इनको ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 76। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 90, तो इसको इधर हम डिवाइड करवा लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x² 19 के साथ इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 76 / 19, तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 4। तो आपको पता है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, x की फाइंड करने के लिए स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाता है x² इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट, ये से कट गया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। एक्स की दो वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन 1 में कर लें या 2 में, जिसमें मर्जी कर लें। तो मैं अगर 1 में करता तो मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं अगर इसमें एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, एक्स की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, 2² - 5y² = 6। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 4 - 5y² और ये 6, इसको मल्टीप्लाई किया 16 × 5y = 6, तो यहाँ पर 16 रह गए, -5y² उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करें 10 × 5y² मल्टीप्लाई हो रहा है 5, इधर डिवाइड हो जाता है, तो y² 5 × 5 = 10, तो हमारे पास आ गया 2 = y², अगर हम ऐसे कर लें y स्केयर इधर लिख दें 2 इधर लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर ख़त्म करना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है y² √ और 2 का भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ हमें y से कट गया, y² √ से कट गया, तो y = ± 2√, एक ये वैल्यू देता है। फिर इसके अलावा अगर हम इसकी x को इधर दो वैल्यू ना पुट, हम x = -2 करते हैं,
दोनों को पुट करना है, तो हमारे पास क्या रहता है, 4 इज इक्वल टू 2 की जगह माइनस 2 स्केयर माइनस 5 वाई स्केयर, फर्स्ट इक्वेशन है ना, x की जगह हमने पहले मैंने 2 पुट किया, माइनस 2 पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये आ जाता है 4 5 स्केयर इसका 16 5 वाई स्केयर 6 और 16 इसको इधर ले आए 6 और इधर आ जाएगा 5 वाई स्केयर, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 10 5 वाई स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास इसको काटा तो हमारे पास आ गया 5 2 10 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वाई स्केयर इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्केयर स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्केयर रूट कर लेंगे, स्केयर ख़त्म करने के लिए इसका भी स्केयर रूट कर लेंगे, तो इससे कट गया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस स्केयर रूट 2, दो आंसर देता है, तो इससे हमें सोल्यूशन मिला वो ये मिला कि अगर हम सोल्यूशन सेट की इधर बात करें तो जो एक्स की वैल्यू वो प्लस माइनस 2 ही रही हैं, ये प्लस माइनस 2 ही एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर जो हमें वाई की वैल्यू मिल रही है ना वो हमें यही मिल रही है, इधर भी प्लस माइनस 2 मिल रहा है इधर भी, और इधर भी प्लस माइनस 2 मिल रहा है, तो वो भी दोनों सेम ही मिल रही है, ठीक हो गया, तो ये इनका सोल्यूशन सेट हो गया। आर्डर पेयर की मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू है, तो मैंने इसको आर्डर पेयर में लिख दिया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे है, 7x² - 3y² = 4 2x² - 5y² = 7, ठीक हो गया, ये वही क्वेश्चन है, इसको हमने सेम सिचुएशन पे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनको नाम ले लेते हैं जी, फर्स्ट जो है इसको हम इक्वेशन को फर्स्ट का नाम देते हैं और सेकंड वाली इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं। देखें अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ये है, ये अब इधर देखें, इधर 7 इधर 2 है, ये ऐसे एक स्टेप में इक्वल नहीं हो सकती, इधर 3 इधर 5 ये भी इक्वल नहीं हो सकती, अगर हमने इनको इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 हो जाता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को तो ये भी 14 हो जाता है, इसको इक्वल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इक्वल बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन मज़ीद जल्दी सॉल्व हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट क्या 2 को मल्टीप्लाई करें, 7 को 2 से किया तो 14x² और इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 2 6y² और इसको मल्टीप्लाई किया तो 8, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, फिर मज़ीद हम इसको भी 14 बनाना चाहते थे, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 2 आर 14x² और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35y² और 7 को जब 7 से किया तो 49 इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं इसको। अब इधर ही 14x² है, इधर भी 14x² है, सिंपल हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों उठ जाएंगे इधर से, इधर वाई की स्केयर वाई की वैल्यू में मिल जाएगी, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 जो है इसको 4 में सब्ट्रैक्ट करें फ्राम इक्वेशन 4, हमने जो इक्वेशन 3 थी उसको 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 में से तो हमारे पास आ जाता है 14x² - 35y² = 49, तो हमारे पास आ गया 14x² - 6y² इधर 18, सब्ट्रैक्ट से मुराद इसको साइन भी चेंज कर देते हैं, जो नीचे इक्वेशन होती है जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे जो इक्वेशन रखते हैं उसके साइन चेंज करते हैं, ये एक रूल इसका बन गया इधर हमारे पास, ठीक हो गया, तो अब ये पॉजिटिव है 14x² है, ये नेगेटिव इसको हम काट लेते हैं, इसमें से ये देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 41y²
इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते तो हमें मिल जाता है 41। अब y हमने फाइंड करना है, तो y के साथ जो 41 है ये तो इधर ऐसे फजूल में जैसे है, तो ये मल्टीप्लाई इधर दूसरे पर ले जाएंगे तो इसको डिवाइड करवा देते हैं, इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर 1 1, दोनों कट गया तो हमारे पास जो वाई स्केयर आ गया वो 1 आ गया। अब हमने y फाइंड करना है, y स्केयर की ज़रूरत नहीं हमें, तो y फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, टेकिंग स्केयर ख़त्म करना है इसका, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बना, y स्केयर स्केयर रूट के साथ और इधर 1 भी स्केयर रूट के साथ ये आ गया, तो ये इसे कट गया तो हमारे पास आ गया y प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट लें, 1 नहीं रहता है। अब y की दो वैल्यू आई हैं, तो अगर हम इसको किसी इक्वेशन एक में पुट कर दें, मतलब इक्वेशन 1 में या 2 में, तो हमें x की दो वैल्यू मिल जाएंगी तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें मर्जी पुट कर लें, सेम सिनेरियो रहेगा, सेम आंसर आएंगे। तो इसमें अगर हम y को जो वैल्यू फर्स्ट में हम 1 रख लेते हैं, अगर अगर 1 वैल्यू रखते हैं y की जगह पर, तो हमारे पास क्या आता है 7x² - 3 × y 1 आ जाएगा, उसका स्केयर इज इक्वल टू 4। तो ये 3 × 1 का स्केयर 1 और 4 आ गया, तो 7² इसको मल्टीप्लाई किया 3 4, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाता है, इसका 7 आ गया यहाँ पर, तो 7² = 7, ये है ना 7² = 7, तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई 7 और इधर आके डिवाइड, तो यहाँ x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आता है 7 1 7 7 1 7, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब हमने x चाहिए, x स्केयर की ज़रूरत नहीं है, स्केयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है x² = 1² रूट, ये से कट गया स्केयर स्केयर रूट से, तो प्लस माइनस 1 देता है हमें, ये आंसर मिल गया। अब हमने पहले y को 1 रखा था, y की माइनस 1 भी वैल्यू है, तो हम उसको भी साथ लिख लेते हैं, पुट कर देते हैं उसको, ठीक हो गया। तो y की जगह माइनस 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास 7x² - 1² = 4, तो ये आता है 7² - 1² = 1 ही आता है, 7x² ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 रह जाएगा ना, माइनस 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इक्वल में 4, 7x² ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाता है, तो इसको हम देख के 7x² + 4 + 3 आ गया साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है मजीद, हमारे पास आ गया 7x² = 7, इधर भी 7 आ जाता है, ठीक हो गया। मजीद हमें x² की वैल्यू चाहिए, 7 × इधर जाके डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 7 1 7 7 1 7 7 1 आ गया इसका आंसर, तो हम लिखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो वो हमारे पास आ गया x² √1 ये से काट गया तो x + -1। अब x इधर 2 टाइम हमें 2 वैल्यू दे रहा है, तो सेम वैल्यू दे रहा है, इससे मुराद कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 रहती है और y की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 रहती है, तो हम जब सेट में लिखते होते हैं तो सेम रिपीटेड वैल्यू कभी नहीं लिखते होते, हम x की वैल्यू लिख लेते हैं प्लस माइनस 1 और इसी तरह y की वैल्यू लिख लेते हैं प्लस माइनस 1, यही दोनों की वैल्यू हमें मिल रही हैं, तो दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की जो थर्ड टाइप थी वो हमने कंप्लीट कर ली, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर 4th टाइप को देखेंगे और इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह बड़ी बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी किसी इशू हो ज़रूर आप तक करें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।